लोकसभा चुनाव हो या राज्य के विधानसभा चुनाव, अगर किसी मंत्री की प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा डिमांड होती है तो वो है हाईवे मंत्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी की। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और लगातार पार्टी ने उनके अलग अलग जगह पे कार्यक्रम लगाए हैं। आइए जानते ही हैं कि वो नया क्या विजन देंगे जनता के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं बात जब आती है तो सड़क और परिवहन से जुड़ी होती है, आम लोगों की मांग होती है। तो नितिन गडकरी जी, हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने अभी देखा कि आपने जम्मू कश्मीर में कई जगह पे रैलियां की, जनसभाएं की, आमतौर पर खूब तालियां बजी। लोग कहते हैं कि जहां उन्होंने सपना भी नहीं देखा था वहां पर सड़क पहुंच गई। क्या ऐसा नहीं लगता कि आजकल अगर पिछले कई चुनावों को देखा जाए तो पूरा दारोमदार अगर कहा जाए तो इन मुद्दों पर आकर सिमटता जा रहा है? देखिए, किसी भी देश का और समाज का विकास अगर करना है तो चार चीजें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस बढ़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, टूरिज्म बढ़ता है, और ये बढ़ने के बाद इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है रोजगार को, नए रोजगार निर्माण होते हैं। और केवल ग्रोथ रेट राज्य का, डिस्ट्रिक्ट का नहीं तो लोगों का बढ़ता है, गरीबी दूर होती है, रोजगार निर्माण होता है और सुखी, समृद्ध, संपन्न समाज का सपना पूरा होता है। मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 trillion की इकोनॉमी और दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का मिशन हमने स्वीकार किया है, और उसके लिए इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस और एग्रीकल्चर में प्रगति और विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। उसको प्राथमिकता मिली है और वो काम अब बड़े प्रमाण पर 10 साल में हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि स्वाधीनता के बाद 65 साल में जो कांग्रेस के राज में नहीं हो सका वो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया। क्या हम मान सकते हैं कि राज्य के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, अगर देखा जाए तो आपके मंत्रालय पर बहुत बड़ा दारोमदार रहता है अपनी पार्टी को जिताने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बाकी भी लोग काम करते हैं। एविएशन मिनिस्ट्री काम कर रही है, रेलवे ने अच्छा काम किया है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, अनेक सरकार की बहुत इफेक्टिव योजना, आयुष्य योजना है, उज्ज्वला योजना है, ओवरऑल सरकार मिलजुल कर काम करती है और सबका मिलजुल कर परिणाम अच्छा ही है। आपने अभी जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जम्मू कश्मीर में ओपोजिशन लगातार ये आरोप लगा रही है कि इस बार वहाँ पर 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, बहुत सारी चीजें बदली हैं, सीटें भी बढ़ गई हैं, अब इस बार 90 विधानसभा सीट भी वहाँ पर हो चुकी हैं। तो जो वहाँ पर 10 साल से सरकार थी, जिन नई बातों को वहाँ पे 370 हटाए गए, 35A हटाया गया, उसके बाद अब वहाँ की कश्मीरी नाराज है, क्या लगता है ऐसी नाराजगी आपको कहीं? ये तो कुछ लोग कश्मीरी नाराज नहीं है, को गुमराह करने की कुछ पार्टी और नेता कोशिश कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट दुगने हुए? जम्मू कश्मीर में होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी का बिजनेस 2 गुना बढ़ा? क्या जम्मू कश्मीर में हिंदुओं, मुसलमानों, उनकी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी नहीं हटनी चाहिए? क्या हर जिले में IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं खुलने चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर के किसानों के एप्पल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए? पश्मीना के कपड़े, शॉल, साड़ियाँ वर्ल्ड में नहीं जानी चाहिए? अगर ये सब विकास करना होगा तो इन्वेस्टमेंट आनी पड़ेगी, नए नए टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, नए नए प्रकार की कंपनियां आएगी और उसके कारण जम्मू कश्मीर का विकास होगा। और यही बात है, नए होटल, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे तो किसको फायदा होगा? आज कश्मीर के लोग अपने होटल, रेस्टोरेंट खोलेंगे तो मुझे लगता है कि ये विकास की प्रक्रिया जो गतिशील बनी हुई है उससे जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, गरीबी कम हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, टूरिस्ट 2 गुना 3 गुना बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना हुआ है कि जो 60 साल में नहीं हुआ 65 साल में वो हमने 10 साल में किया। हम जम्मू कश्मीर में अगर हिसाब लगाए तो आज कर रहे, करने वाले हैं और चल रहे हैं, तो टनल ही टनल तो 1.5 लाख करोड़ की तो टनल बना रहे हैं। अभी भी आपने कई टनल की, अभी देखो कैसे ब्रिज बन रहे हैं, कितने अच्छे बन रहे हैं। तो इस सबके कारण मुझे लगता है कि 370 निकालने के कारण नई इन्वेस्टमेंट आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई इंस्टीट्यूशंस आएगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के लड़के भी दुनिया में जाएंगे, IT इंजीनियर बनेंगे। ओवरऑल लोगों में खुशी है
पर जिनका करप्शन के आधार पर चुनावी राजनीति में सत्ता में जाकर जो परिवारवाद की राजनीति करते थे उनको नुकसान होगा, क्योंकि विकास पर बोल नहीं सकते वो लोग। इस प्रकार के आरोप करके जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते। राहुल गांधी लगातार कश्मीर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऑपोजिशन का कहना है कि कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी ने लगभग छोड़ दिया है और जम्मू में अपने प्रचार को ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है और कश्मीर में उन्होंने एक तरह से चुनाव प्रचार में गिव अप कर दिया। बिल्कुल गलत बात है, हम सीरियसली प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी भी आके गए, सब नेता भी आके जा रहे हैं। मेरा आज दूसरा दिन था, 6 सभाएं हुई और मैं आने वाला हूँ और सब जगह हम लोग जा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इस बार जो काम हमने किया है विकास का, उसके आधार पर निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। गडकरी जी, जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है और इस बार भी एंट्री हुई। पहले और पहले मतदान में जो वोटिंग के समय ये बात रक्षा मंत्री ने, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो बात कही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समर्थन में गई, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी इस चुनाव में एंट्री हो चुकी है? देखा, पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है, हम नहीं चाहते पाकिस्तान हमारा समर्थन करे। और वो जब कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, इसका मतलब कांग्रेस की नीतियां देश के हित में की विरोध में, ये लोगों ने सोचना चाहिए। हम पाकिस्तान के भी शांति चाहते हैं, पर हमारे देश में आतंकवादियों को भेजकर हमारी सुरक्षा अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा में यहाँ आकर आतंकवादियों के द्वारा हमारे समाज जीवन और राष्ट्र जीवन को उध्वस्त करने की कोशिश अगर पाकिस्तान करेगा तो नहीं चलेगा। आज पाकिस्तान अपने समस्याओं से लड़ रहा है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, ऐसे स्थिति में पाकिस्तान आज जो डिस्टर्ब करेगा अगर हिंदुस्तान को, तो उसका परिणाम उनके लिए ही बुरा होगा। 10 साल पहले जब चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें जम्मू से मिली थी और पीडीपी को कश्मीर से मिली थी, दोनों ने हाथ मिलाया था। क्या अभी भी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है अगर पोस्ट अलायंस की संभावनाएं देखते हैं? मुझे लगता है कि अभी तो हम अपने ताकत पर मेजोरिटी मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास। साथ ही साथ हरियाणा में भी चुनाव चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस या भाजपा दोनों ही पार्टी के कई बागी नेता जमीन पर उतर गए हैं, क्या दोनों पार्टियों का ये खेल खराब कर सकते हैं? देखिए, मैं कल से हरियाणा जा रहा हूँ, अभी मुझे वहाँ की विस्तृत जानकारी नहीं है, पर 10 साल में जिस प्रकार से हरियाणा का विकास हुआ है उसके आधार पर प्रचार कोई कुछ भी करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से अच्छी मेजोरिटी लेकर चुनकर आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। गडकरी जी, आप महाराष्ट्र से हैं, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी चुनाव है और झारखंड में भी चुनाव है, इन दोनों जगह में आपने कई भारी प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं, क्या लगता है इन राज्यों से क्या उम्मीद है? क्योंकि अलायंस की बातों को देखें तो कई बार उस पर सवाल उठाते रहते हैं अपोजिशन। देखिए, महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है और पूरी ताकत के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों के नेतृत्व में, और हम निश्चित रूप से चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिलाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि हमेशा नितिन गडकरी चर्चा में आते हैं, चाहे आपके वीडियो को लेकर हो वो वायरल हो जाते हैं या फिर आपके कोई स्टेटमेंट हो, चाहे वो पीएम के ऑफर वाली बात हो या फिर रामदास अठावले के बारे में की गई टिप्पणी, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसे लोकप्रियता या का पैमाना माना जा सकता है? रामदास अठावले खुद कह चुके हैं कि सरकार किसी का बने मैं मंत्री बनूं, तो उसी पे मैंने मजाक की कि वो मौसमी राजनीतिक मौसम के शास्त्रज्ञ हैं और वो जानते हैं तो कौन सा पार्टी है तब वो बराबर हमारे साथ तो हम जीतेंगे, ऐसा है, ये मजाक में कहा। इसका संबंध बाकी कोई राजनीति को लगाना उचित नहीं है। और जहाँ तक मैं पत्रकारों को पुरस्कार देने गया था तब मैंने उनको कहा कि अपने जीवन में सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप प्रधानमंत्री बनो, बोला आप मुझे क्यों बनाओगे और मैं क्यों बनूंगा, मेरे सिद्धांत और मेरी नीतियों पर मेरी अटूट श्रद्धा है और वो मेरे लिए शुरू बनी है, इसलिए मैं उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। एक सवाल में और उस पे खत्म करना चाहूंगी, अभी अगर देखा जाए तो आपकी जो मेन अलायंस पार्टी है टीडीपी और जेडीयू,
इन दोनों पर ही ऐसा ओपोजिशन का कहना है कि पूरा दारोमदार टिका हुआ है और दोनों ही ट्रस्टवर्दी नहीं है। बार बार राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, मिड टर्म पोल होगा। आम आदमी पार्टी भी लगातार सवाल उठा रही है, आरएसएस को लेकर भी सवाल उठा रही है। ये हमारा सरकार स्थिर है, हमारी अलायंस एनडीए की पक्की है, सरकार गिरने का कोई सवाल नहीं उठता। अब अपोजिशन पार्टी को इतना देखूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना है तो देखो। धन्यवाद ईटीवी बाहर से बात करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि चाहे तमाम दावे प्रतिदावे क्यों ना किए जाए, लेकिन केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो जनता को दिख रहा है और जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। इस समय जम्मू से कैमरामैन संदीप के साथ अनामिका रत्ना।